हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश और मैं आप सबका स्टडी शॉप 360 में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम IDBI असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ 17 मार्च को, उसमें जो GA MCQs पूछे गए हैं वो देखेंगे। 60 जो GA MCQs थे उनमें से करीब 55 मुझे याद है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और इसमें करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न हैं उनमें से लगभग सभी हमारे जो करंट अफेयर्स है उसमें से आए हैं। तो कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के भी प्रश्न पूछे गए थे, स्टैटिक जीके का कोई भी प्रश्न नहीं था। ओके, तो ये जो प्रश्न है वो इसके बाद जो अगले आने वाले एग्जाम से LIC या फिर SBI हो या फिर कोई CGL हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अभी पिछली बार NICL में जो प्रश्न पूछे गए थे या फिर IBPS क्लर्क में कुछ पूछे गए थे, पिछले साल जो पूछे गए थे उनमें से भी कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं। पिछले करीब मींस जनवरी से जो करंट अफेयर्स है वो पूछे गए थे, और उसके अलावा पुराने एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न जो कि ज़्यादा पुराने भी हो गए हैं वो भी पूछे गए थे कुछ। इसलिए जो पूछे हुए प्रश्न है एग्ज़ाम्स में वो सब आप रट कर ही जाइए, क्योंकि फिलहाल प्रश्न बहुत रिपीट हो रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको जो लगातार अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। तो ये पहला प्रश्न, फिनकेयर स्मॉल फिनांस बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर पूछा गया था। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका भी हेडक्वार्टर पूछा गया था। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और यहाँ के चीप कौन है, तके ही को नकाओ। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच, इसका मुख्यालय भी पूछा गया था। इसका मुख्यालय कोलोगनी में, कोलोगनी जो है वो जेनेवा में ही आता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जेनेवा है, और वहाँ पर कोलोगनी नाम की एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर हेडक्वार्टर है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और ऑप्शन में कोलोगनी नहीं दिया था, जेनेवा दिया था, तो इसका सही जवाब है जेनेवा। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है करंट भारत की वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ओके, ये अपॉइंटमेंट से प्रश्न था। अब नेक्स्ट प्रश्न, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के, सुनील अरोरा। ये भी पूछा गया था कि करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के। और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल कोच इंटरनल ट्रेड फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये जो डिपार्टमेंट है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच में आता है, और DIPP इसका पुराना नाम था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये इसका पुराना नाम था। इसका नाम चेंज करके अब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रखा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप्स दी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 विथ 46.6 मिलियन चिल्ड्रन स्टंटिंग। तो इसका आंसर है भारत। भारत सबसे टॉप पर है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में। 46.6 मिलियन जो बच्चे हैं भारत में वो कुपोषित है। नेक्स्ट, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो UNDP के द्वारा दी जाती है।
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, और उसके अनुसार इस भारत की क्या रैंक है, 130 पर भारत की रैंक नहीं पूछी गई थी, किस कंट्री ने टॉप किया है पूछा गया था, ये तो नॉर्वे सबसे शीर्ष पर है इस इंडेक्स में। और उसी तरह इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसमें कौन टॉप पर है ये पूछा था। वैसे आमतौर पर भारत की रैंक पूछी जाती है, पर इस बार कौन टॉप पर है ये पूछा गया था दो इंडेक्सेस में, इसमें स्वीडन टॉप पर है और भारत की रैंक है 47। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट EPFO पेरोल डाटा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके डाटा के अनुसार नेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द फॉर्मल सेक्टर इन फेब्रुआरी 2019 ऑलमोस्ट ट्रिबल टू डैश डैश। तो फेब्रुआरी 2019 तक इस सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो 8.61 है, और पिछले साल शायद 2.47 या ऐसा कुछ था, तो बहुत बढ़ा है ये आंकड़ा। और ये कुछ एब्रेविएशंस पूछे गए थे, श्रेयस, श्रेयस जो है वो एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसका पूरा फुल फॉर्म पूछा गया था, इसका पूरा फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, ओके, और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसमें टी का क्या मीनिंग है ये पूछा गया था। FATF का हेडक्वार्टर का है पेरिस में। ओके, और TPA में ए का मीनिंग पूछा गया था, इस TPA में ए का मीनिंग है एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर इसका पूरा फुल फॉर्म है। अब आगे देखते हैं, 11th ब्रिक्स सुमित, ब्रिक्स जो है वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, पांच कंट्रीज़ की एक यूनियन है, इसकी एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, और इसके जो चीफ है वो है केवी कामत, वो इंडियन है इसलिए आप याद रखिए। उस तो ब्रिक्स समिट जो है वो 2019 में होने वाली है ब्राज़ील में इस साल, और जी ट्वेंटी 2022 में किस देश में होगी, तो 2022 में इंडिया में होने वाली है, पहले 2021 में होने वाली थी इंडिया को, पर 2022 को भारत को 75 साल पूरे होने वाले आज़ादी को, तो उसके लिए 2021 की जगह भारत ने 22 को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, 2021 को इटली में होने वाली है, पहले इटली में 22 को होने वाली थी और भारत में 21 को होने वाली थी, पर ये अल्टरनेट कर दिया है बाद में। और इस साल मीन्स 2019 में ओसाका जापान, यहाँ पर G20 की समिट होगी, और उसके अलावा 2022 मीन्स अगले साल 2020 में ये होगी रियाद में, रियाद कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया, और G20 का हेडक्वार्टर है मेक्सिको में, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में हुआ, तो ये बोल्ड कुरुक्षेत्र जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था। वर्ल्ड पियानो डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये 29 मार्च को मनाया जाता है, 29th मार्च। नेक्स्ट, हु हैज बीन चूजन फॉर ग्लेन फिडिच इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2019, तो ये है राजू बैरैया को चूजा गया है इस
ग्लेन प्यूडिच के उभरते कलाकार के रूप में। और ये रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये बहुत पुराना प्रश्न था वैसे, पर ये बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए ये वापस पूछा गया है इस एग्जाम में भी। तो इसमें यह पूछा गया था कि 2019 के जो रमन मैग्सेसे अवार्ड से उसमें इंडियन विनर कौन था, तो भारत के दो विनर्स थे इसमें, भरत वटनानी और सोनंग वांगचुक। भरत वटनानी एक साइकोलॉजिस्ट है और सोनम वांगचुक एक इंजीनियर है, ये एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए फेमस है। इनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी, थ्री इडियट्स, आमिर खान की, आपने तो देखी होगी वो। पर ऑप्शंस में सिर्फ भरत वटनानी था, इसलिए इसका सही जवाब है भरत वटनानी। ओके, इन दोनों को मिला है भारत की तरफ से यह अवार्ड। और ये जो पुरस्कार है रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, वो वॉज कॉन्फर्ड विद नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, जिसको चेविलियन डांस आई ओरे लेट्स डिस लेटर्स इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये जो अवार्ड है वो फ्रांस के द्वारा दिया जाता है, मीन्स फ्रेंच गवर्नमेंट देती है ये अवार्ड। और ये किसको मिला है, ये मिला है कल्कि कोचलिन को। कल्कि कोचलिन जो है वो भारतीय मूल की फ्रांसीसी अभिनेत्री है, फ्रेंच फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री है और वो मूल भारतीय है, कल्कि कोचलिन। नेक्स्ट, विच कंट्री अवार्डेड इट्स हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये कंट्री है रशिया। आप ये याद रखिए कि ये जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये रशिया के द्वारा दिया जाता है और ये उनका सबसे हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रशिया का, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था इस साल। नेक्स्ट, हु इज फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर ऑफ जमिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये जो जमिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है ये दिल्ली में, और ये है नजमा अख्तर। नजमा अख्तर जो है वो यहाँ की कुलपति बनी है, मीन्स वाइस चांसलर, और यहाँ की चांसलर मीन्स कुलाधिपति कौन है, नजमा हेप्तुल्ला, ये कौन है, ये मणिपुर की गवर्नर है। नेक्स्ट, वो बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन पायलट ऑफ IFS टू फ्लाई फाइटर जेट, तो ये IFS की पायलट अवनी चतुर्वेदी, ये पहली महिला बनी है जिसने फाइटर जेट को उड़ाया। नेक्स्ट, वो बिकेम्स फर्स्ट वुमन टू को पायलट इंडिजिनियसली बिल्ट तेजस फाइटर जेट, तो स्वदेश निर्मित जो तेजस फाइटर जेट है उसकी सह पायलट बनने वाली पहली महिला है PV सिंधु, इनको तो आप जानते ही होंगे, शटलर, ये बैडमिंटन की प्लेयर फेमस। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 में किसे मिला था, ये मिला था विराट कोहली को, टीम इंडिया के कप्तान। नेक्स्ट, हु इज विनर ऑफ वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप, तो वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप में मीन्स करंट वर्ल्ड चेस चैम्पियन जो है वो पूछा गया था, ये मैगनस कार्लसन, और ये मैगनस कार्लसन जो है वो नॉर्वे के है, और ये ईसा खईक एक दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशनल फुटबॉलर है, सबसे पुराने फुटबॉलर मीन्स सबसे ज़्यादा उम्र के, ये कौन सी कंट्री से है यह पूछा गया था, ये इसराइल से है। नेक्स्ट, विच क्रिकेट स्टेडियम विल बी द न्यू होम ऑफ
T10 क्रिकेट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये है जायद क्रिकेट स्टेडियम और ये कहाँ पर है, अबू धाबी में। तो T10 के मीन्स 10 ओवर के जो मैचेस है वो इस स्टेडियम में खेले जाएंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कौन सी कंट्री में है, तो ये रशिया में है, रूस में। और इस पावर प्लांट का नाम क्या है, अकादमिक लोमोनोसोव। ये विश्व का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये आप याद रखिए। और इसका नाम क्या है, अकादमिक लोमोनोसोव, रशिया में। नेक्स्ट, विच इंडियन नेवी वॉरशिप टुक पार्ट इन चाइनाज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एट कुंडियागो। तो चाइना की जब 70th एनिवर्सरी थी तब ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू चाइना के शहर कॉन्टिगो में। और 70th एनिवर्सरी को मनाया गया था चाइना की, ये भी आप याद रखिए। और इसमें भारत की 2 ships गई थी इंडियन नेवी की, INS कोलकाता, ये एक डिस्ट्रॉयर है, और टैंकर INS शक्ति। ऑप्शन में INS कोलकाता दिया गया था, तो INS कोलकाता और INS शक्ति ये दोनों आप याद रखिए। नेक्स्ट, विच इज़ द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लॉन्च बाय इंडियन नेवी एट द मैगजागन डॉक ऑन 20 अप्रैल 2019। तो ये है INS इम्फाल। INS इम्फाल को भारतीय नौसेना द्वारा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है ये, और मजगांव डॉक पर ये निर्देशित किया गया है, INS इम्फाल। नेक्स्ट, नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच अराइव्ड एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS ऑन 14 मार्च, मींस 14 मार्च को वो स्पेस में गई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का। और ये कब तक पूरा होगा, मींस वो कब तक अंतरिक्ष में रहेगी, मींस वापिस कब लौटेगी, ये पूछा गया था। ये इसका सही जवाब है फेब्रुआरी 2020, मींस करीब करीब 328 डेज, इतने दिन वो ISS में रहेगी। और ये क्रिस्टीना कोच जो है वो USSS है, अमेरिका ने, और ये नासा के लिए काम करती है, ये भी आप याद रखिए। विच इज 1600 स्टेशन इन इंडिया टू गेट फास्ट एंड फ्री वाईफाई एसेस। तो पब यहाँ पर फ्री वाईफाई मिलेगा, ये 1600वां रेलवे स्टेशन है भारत का, यह है सेंटा क्रूज। और ये सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन जो है वो मुंबई में आता है, मुंबई का जो सब अर्बन एरिया है, सब अर्बन नेटवर्क, उसमें ये सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन आता है। नेक्स्ट, आज़ादी के दीवाने म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड एट दिल्लीज रेड फोर्ट टू पे होमेज टू --। तो ये किसको श्रद्धांजलि देने के लिए कि ये म्यूजियम बना गया है, तो ये जो अनसंग हीरोज है उनके लिए, मींस आज़ादी के जो फेमस नहीं हुए वो हीरोज थे उनके लिए, मींस क्रांतिकारी जो शहीद हो गए उनके लिए। नेक्स्ट, विच इज़ दी फर्स्ट एंड ओनली यूनियन टेरिटरी इन कंट्री टू रन सोलर एनर्जी। तो देश का पहला जो यूनियन टेरिटरी है सोलर सौर ऊर्जा से चलने वाला वो है दीव, गुजरात के पास आता है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज गिवन अप्रूवल ऑफ मर्जर ऑफ टाटा टेली सर्विसेस TTSL विथ, तो भारतीय एयरटेल जो है उसमें मर्ज होगी TTSL। ओके, हु इज ऑथर ऑफ बुक नो प्रेजेंट्स प्लीज मुंबई स्टोरीज। तो ये जो बुक है नो प्रेजेंट्स प्लीज मुंबई स्टोरीज, ये लिखी है जयंत काकिनी ने,
जयंत काकिनी। नेक्स्ट, विच इज वर्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन लोकसभा इलेक्शन 2019, तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो है मतदान केंद्र वो है तशिगैंग हिमाचल प्रदेश, तशिंग, ये आप याद रखिए। और ये अब तक का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। नेक्स्ट, विच रेल कोच फैक्ट्री इन इंडिया हैज बिकम द सिंगल लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, तो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, यहाँ पर रेलवे के कोच बनाए जाते हैं और रामायण एक्सप्रेस वगैरह जितनी भी भारत की सब बड़ी बड़ी ट्रेन्स है वो इसी कोच फैक्ट्री में बनाई गई है और ये चेन्नई में है। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑन डिजिटल पेमेंट्स, तो डिजिटल पेमेंट्स का जो पैनल है उसके चेयरमैन है नंदन नीलेकणी, ये 8 मेंबर्स की कमिटी है। और नेक्स्ट, आरबीआई ने एक टास्क फोर्स निर्माण किया है तो एग्जामिन इश्यूज रिलेटेड टू ऑफशोर रूपी मार्केट्स अंडर विच चेयरमैनशिप, तो ये है उषा थोरात, तो उषा थोरात की अध्यक्षता में अपठनीय रुपए के बाजारों से संबंधित मुद्रों की जांच करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स डिक्लेयर एंड इनकम ऑफ मोर देन रुपीज 100 करोड़ ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर 2017-18, तो भारत में से करीब करीब 61 इतने पर्सन्स है जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा की इनकम उन्होंने घोषित की है, इसमें करीब करीब 37 से बड़े ये लोग पिछले साल के मुकाबले। नेक्स्ट, विच बैंक एंड नेम इन डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स इन 2018, तो ये है HDFC। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स मीन्स टू बिग टू फेल, ऐसा भी इन्हें कहा जाता है, मीन्स जो बड़ी बड़ी बैंक्स है वो, इसमें भारत के 3 बैंक्स आते हैं, SBI, ICICI और HDFC अब उसमें जुड़ गई है पिछले साल। नेक्स्ट, योनो का फुल फॉर्म आप याद रखिए, यू ओनली नीड वन, ये एक डिजिटल बैंकिंग ऐप है, ये किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये बैंक है भारत की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक, और NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, ये RBI की सब्सिडरी है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इसका ऑथोराइज कैपिटल पूछा गया था, इसका ऑथोराइज कैपिटल है 2000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट, RBI changed the threshold for bulk deposit to --, तो ये पहले था 1 करोड़ रुपीस और ये दुगना कर दिया है अब, तो threshold limit जो है थोक जमा वो 2 करोड़ तक कर दिए अब। The government is looking to reduce its stake in public sector banks to 8%, तो जो public sector banks है जिसमें जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो आमतौर पर 75% से ज़्यादा है, पर वो सरकार ने ऐसा आदेश दिया है कि वो अब 52% ही स्टेक रखेगी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें, क्योंकि ज़्यादा कुछ बैंक्स जो है उनको मतलब एक इंडिपेंडेंस मिल सके, मीन्स बैंक को थोड़ी स्वतंत्रता मिल सके, ज़्यादा सरकार का प्रेशर ना आए, इसके लिए ये फैसला लिया है भारत के फिनांस मिनिस्टर अरुण जेटली ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये एक सर्वे है, ये किसके द्वारा कंडक्ट और पब्लिश किया जाता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये रिपोर्ट दी जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो RBI के द्वारा दी जाती है।
Next, which organization constitutes a task force on offshore rupee markets? तो ये जो offshore rupee market के ऊपर जो task force है वो RBI ने बनाई है और इसकी chairmanship रहेगी उषा थोरात के पास और ये RBI की formal deputy governor है. Next, which is a specialized financial institution that buys NPAs or bad assets from banks and financial institutions. तो बैंक को जो NPA होता है, जो लोन उनका कवर नहीं होता है, वो एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो उन पैसों को वसूलते हैं. मींस जो लोन्स दिए जाते हैं वो बैंक्स बेच देती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को. ये सिंपली आप इतना याद रखिए. तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बैंक से जो बैड लोन्स है वो खरीदती है और फिर जितना वसूल हो सके उतना वसूल करती है. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 22(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द बैंक हैज़ इश्यूड. तो इसका आंसर है अ लाइसेंस टू अ बैंक. तो बैंक का को लाइसेंस दिया जाता है. सेक्शन 22(1) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के जरिए. नेक्स्ट, विच इज़ द एन इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज कैरेक्टराइज बाय डाइवर्सिफिकेशन अमॉन्ग टू और मोर एसेट क्लासेस. तो इसको बोलते हैं संकर निधि, हाइब्रिड फंड. और ये एक प्रश्न, टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इश्यूड बाय अ कंपनी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड. तो इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. ओके, तो इसमें करीब करीब 54-55 प्रश्न कवर हो गए. कुछ पाँच से छः प्रश्न जो बाकी है जो मुझे अभी याद नहीं है वो अगर आपको पता हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. ओके, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और हमारे चैनल स्टडी शॉप 360 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अब अगले वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए बाय.